जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने अवतार स्टडी 7054 में स्वागत है। और दोस्तों, UP SSC पेड, यूपी पुलिस हिंदी के सभी एग्जामों के लिए हमारा टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, हिंदी का सुपर टेस्ट। दोस्तों ये हमारा 35वां टेस्ट है, ठीक है दोस्तों। हर एक टेस्ट में हमने 25 क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों। अब दोस्तों UP SSC पेड के एग्जाम का कुछ भी समय नहीं बचा है, देखा जाए तो कोई भी टाइम नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की जाए दोस्तों, प्रैक्टिस ही करा रहे हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, हम आपके लिए 25 क्वेश्चन लाए हैं। और दोस्तों 25 क्वेश्चन बहुत ही कम समय में करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। और दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर एक की बात करें तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, नीचे दिए शब्दों में यहाँ पे बताना है दोस्तों, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे दोस्तों हमें शुद्ध शब्द बताना है कौन सा है, किसका दोस्तों, दुर्व्यवहार का। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगर हम एक के राइट आंसर की बात करते हैं, किसके, दुर्व्यवहार। तो दुर्व्यवहार हमारा दोस्तों शुद्ध वर्तनी बूझी गई, तो शुद्ध रूप से किसमें लिखा हुआ है दोस्तों, अगर शुद्ध रूप से बात की जाए तो हमारा दुर्व्यवहार जो है इस प्रकार से लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दो हमारा क्या कहता है, हाथ का मैल। दोस्तों क्या है, हाथ का मैल मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए कीमती वस्तु, ऑप्शन नंबर बी तुच्छ वस्तु, ऑप्शन नंबर सी गंदा वस्तु, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों बेस कीमती वस्तु। दोस्तों हाथ के मैल की बात की जाए तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह आपको बतानी है दोस्तों। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हाथ का मैल। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, हाथ के मैल की बात की जाए बहुत ही बेकार चीज, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, तुच्छ वस्तु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीन, नीचे दिए गए शब्दों में से दोस्तों क्या है, अशुद्ध। यहाँ पे हमें क्या बताना है, अशुद्ध शब्द का चयन करना है, कौन सा हमारा अशुद्ध शब्द है उसे चुनना है। ऑप्शन नंबर ए दुष्प्रचार, ऑप्शन नंबर बी दुष्कर्म, ऑप्शन नंबर सी क्या दोस्तों, दुरुण, ऑप्शन नंबर डी क्या दोस्तों, दुनिर्वार। तो कौन सा हो जाएगा, सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीन का दोस्तों, हमें अशुद्ध शब्द चुनना है, हमारा कौन सा अशुद्ध है यह आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर तीन के हम अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर दोस्तों दुगुण की बात करते हैं, दुगुण ये हमारा बिल्कुल दोस्तों क्या है, अशुद्ध, गलत लिखा हुआ है क्या दोस्तों, दुगुण, ठीक है दोस्तों, क्या दुगुण ये हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा अशुद्ध शब्द है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चार दोस्तों, यहाँ पे बात करें साकेत के रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ऑप्शन नंबर डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे दोस्तों। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं तो इनकी दोस्तों क्या आ जाएंगे, कमायनी, बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों कमायनी, ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों इनकी रचना हो जाएगी, बहुत ही प्रसिद्ध है। आगे बात करेंगे मैथिली शरण गुप्त की बात करते हैं तो दोस्तों इनकी क्या आ जाए, भारत भारती इन्हीं की हो जाती है, कई बार परीक्षा में पूछ दी गई है भारत और दोस्तों क्या भारती, भारत भारती हो गई, यशोधरा हो गई, ठीक है दोस्तों। और साकेत ये किसकी हो जाती है, मैथिली शरण गुप्त की। यहाँ पे साकेत जो है ये मैथिली शरण गुप्त जी की ही रचना है, किसकी है दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त जी की ये रचना है। अगर हम दोस्तों बात करते हैं हरिओद की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की अगर रचना की बात करते तो इनकी दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध है, कौन सी दोस्तों, कई बार परीक्षा में बूझी भी आ चुकी है दोस्तों, क्या है, प्रिय प्रवास, ये दोस्तों किसकी हो जाती, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की हो जाती है। और रसकलश भी इन्हीं की है, इतनी बात क्लियर हो गई। अगर हम दोस्तों बात करते हैं किसकी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की अगर बात करते हैं, निराला जी की बहुत ही प्रसिद्ध दोस्तों रचनाएं हैं, तो इनकी दोस्तों रचनाएं हमारी हो कौन कौन सी जाती है, सबसे दोस्तों क्या इनकी अनामिका हो गई, कुकुरमुत्ता दोस्तों बहुत बूझी जाती है अनामिका, ठीक है दोस्तों, क्या अनामिका जो है, अनामिका रचना है और कुकुरमुत्ता है, ये रचनाएं इनकी दोस्तों बहुत ही बूझी जाती हैं। और दोस्तों इनकी रचनाएं तो बहुत हो जाती हैं, गीतिका इन्हीं की हो जाती है, ठीक है दोस्तों, सरोज स्मृति ये भी दोस्तों कई बार बूझी जा चुकी है, तो इनको याद रखना है। जूही की कली ये भी दोस्तों किसकी है, निराला जी की, कई बार परीक्षा में आ चुकी है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर की बात करते हैं तो बी हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पांच। पांच में दोस्तों क्या बात की जा रही है यहाँ पे, बर्तनी की दृष्टि से सही। दोस्तों सही का मतलब क्या, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, कौन सा हमारा सही लिखा हुआ है बर्तनी की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर विशेष, ऑप्शन नंबर बी विशेष, ऑप्शन नंबर सी विशेष, ऑप्शन नंबर डी विशेष। तो यहाँ पे अगर शुद्ध बर्तनी की बात की जाए तो विशेष हमारा किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो विशेष जो हमारा है तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा विशेष बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर छः, हिंदी। यहाँ पे क्या है, हिंदी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रभाषा, दोस्तों क्या राष्ट्रभाषा कहलाई है, तो यह आपको बताना है। तो किसके तहत कहलाई है यह आपको बतानी है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए तो किसके तहत कहलाई है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यह आपको बताना है। तो दोस्तों इसकी अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे हिंदी जो है ये किस अनुच्छेद के तहत आई है और कौन सी भाषा में हिंदी भाषा का वर्णन है ये भी आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 343 अनुच्छेद। दोस्तों क्या है, अनुच्छेद की अगर बात करते हैं, किसकी दोस्तों, अनुच्छेद संविधान के जो अनुच्छेद हैं दोस्तों 343 से 351 में हमारा क्या हिंदी भाषा का वर्णन है। दोस्तों अनुसूची की बात करते हैं तो कौन सी है, आठवीं अनुसूची हो जाती है। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगी, अनुसूची कौन सी हो जाती है, आठवीं। इतनी बात क्लियर हो गई। और दोस्तों भाग कौन सा हो जाता है, यहाँ पे अगर भाग की बात करते हैं तो दोस्तों किस भाग में, भाग हमारा क्या जाएगा 17। ठीक है दोस्तों, 17वें भाग में है। इतनी बात क्लियर। भाषाएं दोस्तों हमारी कितनी है, भाषाएं, तो अगर भाषाएं में संविधान में भाषाओं की बात करते हैं तो कितनी है दोस्तों, 22 भाषाएं, कितनी 22। इतनी बात क्लियर हो गई, तो इससे दोस्तों ज्यादा से ज्यादा यही क्वेश्चन बनेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई दोस्तों। राष्ट्रभाषा हमारी कब घोषित की गई थी ये भी जान लेते हैं। दोस्तों राष्ट्रभाषा की बात करते हैं तो ये हमारी घोषित कब की गई थी दोस्तों, 14 सितंबर 1949 को। ठीक है दोस्तों, और 14 सितंबर को ही हमारा हिंदी दिवस मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। अगर विश्व हिंदी दिवस की बात करते हैं, किसकी दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस दोस्तों, हिंदी की बात की जा रही है तो यहाँ पे हिंदी, विश्व हिंदी दिवस की बात करते हैं तो ये हम मनाते हैं दोस्तों 10 जनवरी। कब दोस्तों, 10 जनवरी को मनाते हैं। कब से मनाना स्टार्ट हुआ दोस्तों, 1975 से हमारा विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। इतनी बात क्लियर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों यहाँ पे क्या, सद्गुरु का संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए सतधन गुरु, ऑप्शन नंबर बी सतधन गुरु, ऑप्शन नंबर सी सद धन गुरु, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाए, सद प्लस गुरु। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं तो, सतगुरु दोस्तों, सदगुरु जो है इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों सदगुरु की अगर हम संधि विच्छेद की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सत्य धन गुरु। तो दोस्तों जहाँ पे जब तोड़ते हैं तब हलंत लग जाता है, तो वहाँ पे हमारी संधि कौन सी हो जाती है, व्यंजन। तो सदगुरु में हमारी संधि की बात की जाए तो संधि क्या हो जाएगी, व्यंजन। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, पाण्डुमुख का विपरीत अर्थक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए सम्मुख, ऑप्शन नंबर बी प्रतिमुख, ऑप्शन नंबर सी उन्मुख, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर करेंगे। दोस्तों अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पाण्डुमुख की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, उन्मुख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, लंबोदर की बात करते हैं। लंबोदर कौन सा समास है, लंबोदर में अगर बात की जाए समास की तो कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों लंबोदर के अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, लंबा है जिसका उदर। क्या दोस्तों, लंबा यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, लंबा है जिसका उदर। तो दोस्तों उदर माने क्या होता है, उदर, तो अर्थात कौन हो जाएंगे, गणेश जी, श्री गणेश, भगवान गणेश की यहाँ पे बात की जा रही है। तो दोस्तों जहां पे दोनों पद हमारे प्रधान हो, कोई तीसरा पद प्रधान हो, कोई तीसरा पद, तो वहां पे हमारा क्या हो जाता है, बहुव्रीय समास हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, लंबोदर में हमारा बहुव्रीय समास होगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, अनजान। यहाँ पे क्या, अनजान में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए आ, ऑप्शन नंबर बी अन, ऑप्शन नंबर सी अन, ऑप्शन नंबर डी।
अनज। तो दोस्तों अनजान में हमें उपसर्ग बताना है, उपसर्ग क्या होता है दोस्तों, शब्द से पहले लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं किसमें, अनजान, तो दोस्तों अनजान में हमारा कौन सा हो जाएगा, कौन सा दोस्तों क्या उपसर्ग लगा है ये आपको बताना है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे, तो जो हमारा उपसर्ग लगता है तो ये हमारा इसमें उपसर्ग लगा, क्योंकि हलंत इसमें जरूर लगेगा, हलंत वाला मेरा हमेशा सही होगा। इतनी बात क्लियर, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यामिनी, यामिनी का पर्यायवाची दोस्तों यहाँ पे बताना है, यामिनी का पर्यायवाची शब्द होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए रोशनी, ऑप्शन नंबर बी बिजली, ऑप्शन नंबर सी दामिनी, ऑप्शन नंबर डी निशा। तो दोस्तों कौन सा होगा यामिनी का पर्यायवाची, तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा यह आपको बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम यामिनी, यामिनी शब्द के अगर हम पर्यायवाची की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यामिनी शब्द के पर्यायवाची की बात करते हैं तो यामिनी क्या हो जाता है, निशा, निशा को कहते हैं, ठीक है। और निशा किसे कहते हैं, रात को, ठीक है दोस्तों। दामिनी किसे कहते हैं, बिजली, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, पंचवटी, पंचवटी में अगर बात की जाए तो कौन सा समास है, तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए द्विगु, ऑप्शन नंबर बी बहुव्रीहि, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर डी कर्मधार। तो दोस्तों हमने बताया था पंचवटी, जिसमें पहला पद हमारा कैसा हो, संख्यावाची हो, तो वहां पे हमारा क्या हो जाता है, द्विगु समास होता है। तो यहाँ पे क्या है, पंचवटी, पांच वटों का समूह, तो क्या हो जाएगा, पंचवटी। बहुव्रीहि में दोस्तों बताया इसमें हमारे दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं, कोई तीसरा पद क्या होता है, प्रधान। तत्पुरुष में हमारा उत्तर पद प्रधान होता है, और कर्मधार में क्या होता है, जब हम उसका संधि विच्छेद करेंगे तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, हे जो बीचो बीच में आ जाएगा, तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, कर्मधार। इतनी बात याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों द्वंद की बात करते हैं, द्वंद में हमारे क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। अधिकतर दोस्तों द्वंद में क्या होता है, विलोम विलोम शब्द मिलेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों यहाँ पे क्या है, वक्र का विपरीत, तो वक्र का विपरीत दोस्तों क्या हो जाएगा, दोस्तों हमें यहाँ पे बताना है वक्र का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, तीर्थक हो जाएगा, चतुर्भुज हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा या सरल हो जाएगा। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यह आपको बताना। दोस्तों यहाँ पे वक्र, तो वक्र के अगर हम दोस्तों विपरीत की बात करते हैं तो वक्र का हमारा विपरीत क्या हो जाएगा यह आपको बताना है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों वक्र के अगर विपरीत की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सरल, क्या सरल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं गांठ बांधना, गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों, क्या गाढ़ी मित्रता होना, ऑप्शन नंबर बी अच्छी तरह से याद होना, ऑप्शन नंबर सी या दोस्तों कसकर बांधना, ऑप्शन नंबर डी आपस में बांधना। तो गांठ बांधना की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगर हम 14 की बात करते हैं तो गांठ बांधना का मतलब हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, अच्छी तरह से याद होना, ठीक है दोस्तों। दोस्तों गांव में अधिकतर लोग कहते हैं ये बात, गांठ बांध लो, ठीक है दोस्तों। तो हमारा क्या हो जाएगा, अच्छी तरह से याद होना। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, तो संगम में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है दोस्तों, संगम में उपसर्ग बताना है। तो दोस्तों उपसर्ग हमारा क्या होता है, उपसर्ग की बात करते हैं जो दोस्तों जो हमारा क्या होता है, शब्द से पहले लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, जो भी शब्द से पहले लगे उसे हम क्या कहेंगे, उपसर्ग। तो दोस्तों संगम में हमारा उपसर्ग क्या हो जाएगा, जो हमारा सम जो है, सम में दोस्तों हलंत जरूर लगेगा, ये बात याद रखनी है, हलंत। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 16 में क्या है, युधिष्ठिर कौन सा समास है, युधिष्ठिर में समास की बात की जा रही है, तो युधिष्ठिर में हमारा कौन सा समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी कर्मधार समास, ऑप्शन नंबर डी अव्ययभाव समास। तो दोस्तों युधिष्ठिर में अगर हम समास की बात करते हैं तो युधिष्ठिर में क्या आ जाएगा, युद्ध, यानी कि युद्ध में स्थिर, क्या दोस्तों युद्ध में जो स्तर रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, जब मैं जहां पे आ जाता है तो वहां पे हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, तत्पुरुष समास आ जाता है मैं पर, ठीक है दोस्तों। मैं पर क्या होता है, अधिकरण मैं पर होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा क्या है, इनमें दोस्तों, इनमें से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो यह आपको बताना है कौन सा हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। यहाँ पे अगर बात करते हैं व्यंजन संधि के उदाहरण की, दोस्तों ऑप्शन नंबर ए निष्फल, ऑप्शन नंबर बी परोपकार, तो ऑप्शन नंबर सी
किंचित, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों व्यंजन संधि का उदाहरण आप लोगों को बताना है, तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, व्यंजन संधि बतानी है। देखिए दोस्तों व्यंजन संधि की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारी कौन सी हो जाएगी, देखिए दोस्तों व्यंजन संधि हमारी यहाँ पे हो जाएगी सी वाला, हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्या, किंचित। किंचित, किंचित में क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगी। निष्फल में क्या हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर परोपकार की बात करते हैं तो इसमें हमारी स्वर संधि हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, देखिए दोस्तों इसमें हमारी क्या हो जाएगी, विसर्ग, विसर्ग। और दोस्तों इसमें बात करते हैं तो हमारी क्या हो जाएगी, स्वर संधि हो जाएगी। इसमें बात करते हैं तो दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, व्यंजन संधि। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, क्या है, निशदिन वर्षत नयन हमारे में कौन सा रस है। दोस्तों इसमें बात की जाए, निशदिन वर्षत नयन हमारे, दोस्तों इसमें क्या है, निशदिन वर्षत नयन हमारे, तो करुण रस, ऑप्शन नंबर बी भयानक रस, ऑप्शन नंबर सी अद्भुत रस, ऑप्शन नंबर सी वियोग श्रृंगार। दोस्तों जब कोई बिछड़ जाता है तो उसके दोस्तों किसी की याद में क्या होता है, उसके नयन यानी कि आंसू निकलते रहते हैं, भाई रोता रहता, तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वियोग श्रृंगार हो जाता है। जब दोस्तों कोई मिलता है एक दूसरे से तो वहाँ पे हमारा क्या आ जाता है दोस्तों, संयोग श्रृंगार आ जाता है। ये दोनों पार्ट हमारे किसके हैं दोस्तों, श्रृंगार रस के भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, पावक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे पावक में आप लोगों को संधि भी बतानी है और पावक का दोस्तों कौन सा हमारा संधि विच्छेद होगा ये भी बताना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पौधन अक हो जाएगा। दोस्तों पौधन अक, अगर पावक में दोस्तों हम संधि की बात करते हैं तो इसमें संधि हमारी क्या हो जाती है दोस्तों, अयाद संधि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगी, अयाद संधि हो जाएगी। तो अयाद संधि हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, कवितावली किसकी कीर्ति है। दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है किसकी, कवितावली किसकी कीर्ति है। ऑप्शन नंबर ए सूरदास, ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी रहीम, ऑप्शन नंबर डी निराला। दोस्तों यहाँ पे अगर सूरदास की बात करते हैं तो सूरदास की रचनाओं की अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो प्रसिद्ध रचना है दोस्तों कौन सी हो जाती है, सूरसागर। कौन सी दोस्तों, सूरसागर हो जाती है, सूरसागर बहुत ही बूझी जाती है दोस्तों, सूरसागर, सूरसागर हो जाती है, सूरसावली हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये किसकी हो जाती है, साहित्य लहरी इन्हीं की हो जाती है, सूरदास की। तुलसीदास की अगर बात करते हैं तो तुलसीदास की अगर हम बात करते हैं तो तुलसीदास की दोस्तों क्या हो जाती है, सबसे प्रसिद्ध दोस्तों क्या है, रामचरितमानस, और कवितावली हो गई, कवितावली भी दोस्तों किसकी हो जाती है, तुलसीदास की ही होती है। कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, अधिकतर दोस्तों क्या बुझी जाती है, विनय पत्रिका और रामचरितमानस, ये कविता, ये इनकी बूझी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर, क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों निराला की बात करते हैं तो निराला की क्या हो जाती है, जूही की कली हो जाती है। जूही की कली की बात करते हैं तो क्या हो जाती है, निराला की हो जाती है। इतनी बात क्लियर। अगर रहीम की बात करते हैं तो रहीम की दोस्तों क्या हो जाएगी, रहीम सतसई, रहीम सतसई दोस्तों किसकी हो जाती है, ये रहीम जी की हो जाती है। अगर दोस्तों रहीम की और रचनाओं की बात करते हैं तो और भी दोस्तों इनकी हो जाती है क्या, श्रृंगार सोरठा इन्हीं की होती है। इतनी बात क्लियर, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे बात करते हैं नागरी, नागरी लिपि में कौन सी भाषा की लिपि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए मराठी, ऑप्शन नंबर बी हिंदी, ऑप्शन नंबर सी संस्कृति, ऑप्शन नंबर डी गुजराती। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर करेंगे। दोस्तों 21 की अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो कौन सी नहीं है, नागरी लिपि में अगर बात करते हैं तो मराठी भी है और हिंदी भी आती है, संस्कृति भी आती है, लेकिन बात करते हैं गुजराती, गुजराती जो है ये हमारी नागरी लिपि में नहीं आती है। इतनी बात क्लियर, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, जो शत्रु की हत्या करता हो उसे कहते हैं, शत्रुघ्न, नश्वर, क्या दोस्तों जन्माद, ऑप्शन नंबर डी निर्दयी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो शत्रु की हत्या करता हो तो उसे क्या कहेंगे, शत्रुघ्न कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शत्रुघ्न दोस्तों एक राम के भाई भी थे, कौन, शत्रुघ्न। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, यह एक देश या दोस्तों कथनांक है। दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पौराणिक, ऑप्शन नंबर बी पौराणिक, ऑप्शन नंबर सी पौराणिक, ऑप्शन नंबर
डी क्या हो जाएगा, पौराण की है। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करते हैं तो यह एक हमारा क्या पौराणिक है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक है दोस्तों, ये वाला आएगा पौराणिक। ठीक है दोस्तों, इसमें शुद्ध वर्तनी भी बूझी जाती है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात करते हैं, इसमें क्या है, जिसकी दोस्तों जिसकी माप ना की जा सके के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर प्रमेय, ऑप्शन नंबर बी अप्रमेय, प्रमेय, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा अप्रमेय, ऑप्शन नंबर डी निर्मेय। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, जिसका मापन ना किया जा सके, जिसे मापा ना जा सके तो उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय कहेंगे, और जिसे नापा जा सके, मापा जा सके तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, परिमेय कहेंगे। इतनी बात याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, अंधा होना का अर्थ क्या है, प्रेम करना या दोस्तों मनमाना कार्य करना, पूरी तरह विवेक खो देना, ऑप्शन नंबर डी चाहे जिधर चल देना। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह आपको बताना है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। दोस्तों अंधा का यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा, अंधा का यहाँ पे दोस्तों मतलब प्रेम करना से नहीं होगा, ना तो दोस्तों मनमाना कार्य करना, और ना ही चाहे जिधर चला जाना। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, पूरी तरह विवेक खो देना को क्या कहेंगे, अंधा होना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों 25 में किसके कितने क्वेश्चन सही हुए, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों हम आपके लिए लाते रहेंगे नए नए क्वेश्चन, और दोस्तों टॉपिक भी हम करा चुके हैं, भाई आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।